शुक्रवार शाम को भगवानपुरा में सांसद गजेंद्र पटेल जीत के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करने पहुंचे। ग्राम पंचायत भवन में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दूसरी बार जीतकर आए सांसद गजेंद्र पटेल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद पटेल ने कहा कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, हम सब मिलकर क्षेत्र में विकास के कई आयाम घड़ेंगे। वहीं क्षेत्र में विकास के रुके हुए जो भी कार्य है उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। आप सभी पार्टी के लिए काम करें, गुटबाजी न करें। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया है। ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए लेकिन जनता ने उन्हें इस बार भी सिरे से नकार दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों में भ्रम फैलाया कि भाजपा की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। वहीं इतने सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ झूठ के सहारे राजनीति की, जबकि हमारी भाजपा सरकार ने देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर राज किया लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही सांसद ने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर और भी सुधार करने की बात कही है। वहीं लोकसभा चुनाव में विधानसभा हारने पर मंथन भी किया। वहीं तत्पश्चात सांसद पटेल ने जनपद पंचायत सभागृह में ब्लॉक अधिकारियों की समीक्षा बैठक रखी। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद देजला देवड़ा जलाशय में करोड़ों की लागत से बन रहे वाटर प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर तीनों भाजपा मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा का प्रत्याशी था और मुझे भगवानपुरा के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और प्रयास करके यहां भगवानपुरा से चुनाव मुझे जिताया है। निश्चित तौर पर मैं हमारे कार्यकर्ताओं का और क्षेत्र की जनता का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता का भी, मेरी माता बहने वरिष्ठ लोगों का भी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सब ने जो मेहनत से पूर्णता की तौर पर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा है। मैं तहे दिल से पूरे क्षेत्र की जनता का और भाजपा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। भगवानपुरा से प्रदीप महाजन की रिपोर्ट।